चलो, सो लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था डिस्कशन अबाउट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहला पॉइंट देखा था कि व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, क्या होता है ग्रेविटेशन, मतलब देन नेक्स्ट पॉइंट देखा था दैट इज क्या होता है मास, मतलब देन ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब वेरी गुड। उसके बाद में आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद ए फोर्स, दैट इज एफ इक्वल्स टू जी एम ऑन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी का मतलब उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। उसके बाद में आते हैं एप्लीकेशन, अगर एक मास है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सो दैट फोर्स विल बिकम मैक्सिमम, तो रेशो रहेगा 1:2। उसके बाद में तीन मासेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स के ऊपर प्लेस करेंगे तो एनी वन मास के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स √3 टाइम्स ऑफ एफ, वही मास अगर मिड पॉइंट पे प्लेस किया तो ये प्रिपरेशन झालं की असं होतं, कंट्रोल होत नाही क्वेश्चन संपेपर्यंत, कळालं ना, रोज हीच एक्साइटमेंट असली पाहिजे बेटा, ठीक आहे। तो कितना होता है 4gm m / 3 × r² या फिर l स्क्वेअर। उसके बाद में अगर फोर्थ मास प्लेस किया है सेंटर ऑफ द इक्वेटर तो इक्विलेटर ट्रायंगल तो 0। उसके बाद में चार मास है चार वर्टेक्स के ऊपर स्क्वेयर के तो फोर्स ऑन एनी वन मास √2 + 1/2, ठीक है। सेंटर पे प्लेस किया एनी वन मास तो 0। उसके बाद में अगर वहाँ पे बोला है कि तीन वर्टेक्स के ऊपर तीन मास से परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन तो उसकी वेलोसिटी √gm / l, ठीक है। देन पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच नेट फोर्स विल बिकम 0 √m1 / √m1 + √m2 × d, ठीक है। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद में डिस्कशन क्या था अबाउट कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहले आती है रिंग, रिंग के लिए फोर्स r² + x² = 3/2। उसके बाद में डिस्क, हे बघा डिस्कला आपण फोर्समध्ये फॉर्म्युला डिराईव नाही केला बरोबर, पण डिस्क के लिए इंटेन्सिटी का फॉर्म्युला देखा था, क्या था 2gm / a² ((1 − cos θ)। तो एफ इक्वल्स टू होता है एम इंटू ई, तो उसको अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर्स बन जाएगा, ठीक है ना, तो एक कॉम्बिनेशन करता आला पाहिजे, ठीक है। तो डिस्क के लिए अगर फोर्स पूछा जाए तो क्या बनेगा 2gm / a² ((1 − cos θ)। उसके बाद में रॉड gm / l ((1 − r − 1 + l)। उसके बाद में सेंटर में मास प्लेस किया है सेमी सर्कुलर रिंग के 2πgm / l² पाई लिया तो आर नहीं होगा, क्या होगा एल स्क्वायर, ठीक है। एंड उसके बाद में आता है न्यूटन का शेल थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग जब भी स्पीयर किसी भी पॉइंट मास के साथ इंटरेक्ट करता है कि वो बिहेव करता है कि उसका पूरा मास कहाँ पे फोकस्ड है, सेंटर पे। इसलिए क्या होगा कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है और सॉलिड स्पीयर है तो फोर्स बनेगा, पॉइंट मास अगर सरफेस के ऊपर है तो, एंड पॉइंट मास अगर इनसाइड है तो, अगर हॉलो स्पीयर है तो 0, सॉलिड स्पीयर है तो r′ / R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए ऑल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। उसके बाद में हाँ शेल थ्योरम मतलब ग्रेविटेशन का ही लॉ है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट पॉइंट देखा था दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एट ITH, वेरी गुड। उसके बाद में आता है वेरिएशन, वेरिएशन देखने के लिए पहले विद अल्टीट्यूड और हाइट gh = या फिर g(1 − 2h/r). उसमें हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में गिवन है gh = x% of g, प्रसाद दें तू प्रसाद नहीं आता सकाळी, gh = अगर x% of g दिया है तो h = 10√x − 1 × r, अगर gh = g/x बोला है तो h = √x − 1 × r, वेरी गुड। देन वेरिएशन ड्यू टू अगर डेप्थ देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे gd = g(1 − b/r), लेकिन इसको डिराइव करते टाइम हमें g का फॉर्मूला मिला था 4/3 πρg × जिसके ऊपर से हमने स्टार मार करके लिखा था कि अगर क्वेश्चन में मास कांस्टेंट देंगे तो g = 1/r², लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट है तो g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, ठीक है।
तो ये वेरिएशन हो गए ड्यू टू अल्टीट्यूड देन ड्यू टू डेप्थ। उसके बाद में और एक पॉइंट देखा था कि जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h पे होता है वो कितनी डेप्थ पे होगा ये पूछेंगे, तो हम क्या करेंगे d इक्वल्स टू 2h करेंगे, क्या करेंगे d इक्वल्स टू 2h करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है एब्सोल्यूट डिक्रीज विथ अल्टीट्यूड 2h बाय r, नहीं 2hg बाय r, फ्रैक्शनल डिक्रीज बोलेंगे तो 2h बाय r, एंड परसेंटेज डिक्रीज बोलेंगे तो 2h बाय r इनटू 100। वही अगर डेप्थ के लिए एब्सोल्यूट डिक्रीज तो dg बाय r, एंड अगर एब्सोल्यूट डिक्रीज के बाद फ्रैक्शनल डिक्रीज चाहिए तो d बाय r, एंड अगर परसेंटेज डिक्रीज चाहिए तो उसके बाद में आता है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप। उसके लिए हमने देखा था कि इक्वेटर की रेडियस ग्रेटर है एज दैट ऑफ पोल की बाय 21 किलोमीटर, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल ग्रेटर रहेगा एज दैट ऑफ इक्वेटर, और कितने से ग्रेटर रहेगा 0.018, शेप से बोलेंगे तो 0.018, अगर रोटेशन का इफेक्ट बोलेंगे तो 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके लिए फॉर्मूला था जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, एंड अगर नेट इफेक्ट चाहिए नेट अगर डिफरेंस चाहिए तो जी पी माइनस जी बनेगा 0.052 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एंड उससे रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि इक्वेटर पे किसी बॉडी को वेटलेसनेस की फीलिंग एक्सपीरियंस करना है तो जी जीरो बनना चाहिए, जी जीरो कब बनेगा जब ओमेगा विल बी 1/800 या फिर रूट ऑफ जी बाय आर या फिर 1.4 आवर, इतना टाइम पीरियड अर्थ का होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड उसका वेरिएशन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए गिवन पॉइंट एंड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास डिनोटेड बाय ई गिवन बाय ई इक्वल्स टू एफ बाय एम वेयर एफ इज द फोर्स एम इज द मास एंड एसआई यूनिट था न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी जिसका फॉर्मूला सेम था एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेकिन ये डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू सेम होगी हर एक पॉइंट पे। फिर देखा था कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है इसलिए E का एंड R का ग्राफ क्या होगा पैराबोलिक होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स के ऊपर दो मासेस प्लेस किए तो तीसरे वर्टेक्स के ऊपर √3 टाइम्स ऑफ E, वेरी गुड, ठीक है। एंड उसी तरह के एप्लीकेशन देखे थे कि दो मासेस दिए उनके बिटवीन एक पॉइंट है जहाँ पे नेट इंटेंसिटी विल बिकम जीरो, उसका डिस्टेंस कितना होगा √m1/√m1+√m2 डी। उसके बाद में आते हैं एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन ड्यू टू होलो स्फीयर, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो माइनस ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर है तो अगर इनसाइड है तो जीरो, सॉलिड स्फीयर के लिए जाएंगे पॉइंट आउटसाइड है तो सरफेस के ऊपर है तो एंड पॉइंट अगर इनसाइड है तो आर डैश बाय कैपिटल आर, लेकिन अगर सेंटर पे बोलेंगे तो आर डैश भी जीरो बनेगा इसलिए सॉलिड स्फीयर के सेंटर में इंटेंसिटी कितनी है जीरो है। उसके बाद में आती है रिंग, अरे रिंग जी एम एक्स अपॉन, वेरी गुड। उसके बाद में आती है डिस्क 2gm अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 - cos ऑफ थीटा। उसके बाद में रॉड देन सेमी सर्कुलर रॉड है और उसके सेंटर में इंटेंसिटी चाहिए। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला तो हमने देखा नहीं था लेकिन हमें फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, उसको अगर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 2πgm/L² हो गया, ये होता इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो इतनी सारी बातें रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल में कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास दैट इज W प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मास होता है मतलब यम होता है, तो हम क्या करेंगे फिर W इक्वल्स टू V इंटू, एंड आज से जो है लाइव लेक्चर बंद है तो बेसिकली जो है कौन कौन है बट आज शेवटचा दिवस है, उद्यापासून ऑनलाइन लेक्चर नसणार आहे तुमच्यासाठी त्यामुळे उद्यापासून येऊन जा। चलो तो क्या देखा था नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाँ V इक्वल्स टू क्या था W बाय M, बट ये क्या होता है ऑलवेज निगेटिव होता है क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो W बाय M में वैल्यू पुट करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलेगा माइनस ऑफ GM अपॉन फिर से उसके एप्लीकेशन R स्क्वायर नहीं फक्त R, फिर से उसके एप्लीकेशन पहले पॉइंट मास के लिए माइनस ऑफ GM अपॉन R, उसके बाद हॉलो स्फीयर के पॉइंट आउटसाइड है तो सरफेस के ऊपर है तो इनसाइड है तो सेंटर पे तो
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट विल रिमेन सेम, दैट इज माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर. इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन पहले सरफेस तक, सेंटरला जीरो असता तर ग्राफ जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ होलो स्पीयर कितना है, माइनस ऑफ जी एम अपॉन. लेकिन अगर वही बात सॉलिड स्पीयर की करेंगे, पॉइंट आउटसाइड है तो, सरफेस के ऊपर है तो, इनसाइड है तो, इन ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस r डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब. एंड पॉइंट अगर सेंटर में बोलेंगे तो सेंटर पे r डैश विल बिकम जीरो, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होगा. वो कितना होगा, माइनस ऑफ 3 बाई 2 इंटू जी एम अपॉन r, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ जी एम अपॉन r, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ v एट सरफेस, ठीक है. तो सॉलिड स्पीयर हो गया, होलो स्पीयर हो गया, उसके बाद में रिंग. रिंग की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है, रूट में बोलो, नहीं तो पावर 1/2 बोलो, ठीक है, बोथ आर सेम. सो ये सारी बातें हमने देखी थी रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. उसके बाद क्या देखा था, हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आई थिंक लास्ट के लेक्चर में हमने बस इंट्रोड्यूस किया था. क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब, इसलिए हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में, उसमें हमने एक कंसेप्ट देखी थी कि जब भी हम किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो वर्कडन क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. हर्षवर्धन, त्याच्यानंतर काय नाव तुझं, इंद्रायणी, ऋतू, अजून कोण आहे, युवराज, काल ओरलनं दिलेले कोण कोण आहेत, नाही तुम्ही आले होते ना, हे आलेच नाही, हां खुशी एक, कार्तिक, इंद्रनील. बेटा तुमचे पॅरेंट्स जर आज भेटायला नाही आले, उद्यापासून तुम्हाला ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्ही लेक्चरला अलाउड नाही, कळालं ना, हे तू बस खाली कळलं. एकतर आज ओरल द्या, कंप्लीट करा. आज ओरल जर नाही दिले, आज तुमचे पॅरेंट्स नाही आहेत, उद्यापासून ऑफलाईन ऑनलाईन दोन्हीकडे लेक्चरला अलाउड नसणार तुम्हाला, कळालं, गॉट इट, सिडा. चलो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होता क्या है, बेसिकली जो हम वर्क डन करते हैं ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये जो पेन है मैंने हाथ में लिया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसको ग्राउंड से उठाकर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इसके बॉडी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई. कैसे चेक करेंगे, इसको अगर हम छोड़ देंगे, थ्रो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो ये अपने आप ग्राउंड के ऊपर चला जाएगा. तो ग्राउंड पे जा रहा है मतलब क्या रिक्वायर्ड, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो ग्राउंड पे लेके जाने के लिए उसके पास एनर्जी आई कहाँ से, क्योंकि हम उसको जब ऊपर लेके आ रहे थे तो हमने क्या किया था, वर्क किया था किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट. किंवा सेम एक्झाम्पल है ना, क्लासमध्ये इथे येत असताना काय होतं, आपल्याला तीन स्टॉप घ्यावे लागतात, म्हणून आपण रस्त्यांना भरपूर ठिकाणी बेंचेस टाकून ठेवले, बरोबर आहे. काय होतं, आपण ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट वर्क करतोय, त्यामुळे वर येताना काय होतं, आपल्याला थोडंसं बॉडीमधली एनर्जी कन्झ्युम होते याची फील येतो, बरोबर आहे. बट खाली जात असताना असं होतं का, चार वेळा थांबावं लागलं, गप्पा मारताना कधी पोहोचलो कळत पण नाही, बरोबर. याचा अर्थ खाली जात असताना आपली बॉडीने वर्कच केलं नाही, वर्क केलं नाही तरी पण आपल्या बॉडीचं डिस्प्लेसमेंट झालं. हे कसं पॉसिबल आहे, क्योंकि ऊपर आते टाइम जो हम वर्क कर रहे थे वो वर्क हमारी बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. और वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाते टाइम क्या होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्लियर है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा, फिर से, एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन. मतलब क्या है, देखो पोजिशन चेंज करेंगे मतलब पोजिशन चेंज करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, एंड यही वर्क डन क्या होगा, स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो राइट डाउन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कली लय काय काय लिहिलंय सांगा, बर काय लिहिलंय, एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इन ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ॲज ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. अजून फॉर्मुला हो गया था, वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इस तरह से हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला है, माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर. स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में क्या डिफरेंस होता है कि सपोज हमें बोला है कि बॉडी जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर है, बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो हम डिस्टेंस कितना लेंगे, कैपिटल आर लेंगे. लेकिन अगर बॉडी एट हाइट एच है तो हम स्मॉल आर लेंगे. स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, आर प्लस एच. इसका मतलब बॉडी कहाँ पे है, एट हाइट एच, कहाँ से,
फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से h इतने हाइट पे बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे r प्लस h यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम न्यू पॉइंट डिस्कस करने वाले, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, देखो ग्रेविटी में अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो ये वर्क क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उस स्टोर होने वाले एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्रेविटी की फील्ड है तो सेम कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन किसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद में सेम टॉपिक हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स, उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन किस फील्ड की होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जिस फील्ड की है वो पोटेंशियल एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या देखा है अब तक, दो ही पॉइंट देखे, पहले एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में जितना भी वर्क डन होगा दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, वेयर जी कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि हर बार हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो एक बॉडी अर्थ ही रहेगी, है ना। क्वेश्चन मध्ये स्पेसिफाई केले की नाही, दोन डिफरंट बॉडीज आहे ज्यांचा अर्थ सोबत रिलेशन नाही आहे, ठीक आहे। उसके बाद में स्पेशल कंडिशन में आएगी, लेकिन इन जनरल क्या होगा, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, कितना है मास ऑफ द अर्थ, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, एंड हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ असं काही नसतं, है ना, जी प्रत्येक वेळी चेंज होती, उसको हम एच ही बोलेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। अगर एच बोला 1000 है तो 1000 घेणार आपण, ठीक आहे। लेकिन आर को अगर क्वेश्चन में बोलेंगे की टेक रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर, घेणार का आपण, नाही घेणार आपण, क्वेश्चन चुकीचा म्हणणार, बरोबर आहे, ठीक आहे। क्योंकि ये व्हॅल्यूज फिक्स आहे, कॉन्स्टंट आहे, युनिवर्सल कॉन्स्टंट आहे, ठीक आहे। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट खूप सोपी आहे, बट या रिलेटेड जे येणारे क्वेश्चन्स आहेत खूप इंटरेस्टिंग असतात। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब क्या है कि एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मतलब बॉडी का क्या चेंज हो रहा है, पोजिशन चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है क्या चेंज हो रहा है, पोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम एज्यूम करेंगे कि सपोज इनिशियली, इफ इनिशियली बॉडी इज एट आर वन, तो उस केस में उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, यू वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर वन। उसके बाद में हम कंसिडर करेंगे कि देन बॉडी इज एट आर टू, उसके बाद में हमने कुछ वर्क डन किया और बॉडी को कहाँ पे लेके गए, आर टू पे, तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर टू। कळतं का काय करतोय आपण, जो फॉर्म्युला बघितलाय आपण तोच दोन केसमध्ये यूज करतोय। पहिले जब बॉडी आर वन इतने डिस्टन्स पे थी तो जी एम एम अपॉन आर वन, जब बॉडी आर टू इतने डिस्टन्स पे चली गई तो जी एम एम अपॉन आर टू माइनस माइनस। अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, चेंज। अब चेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं, हर बार फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। भगतचं पहिले वेट 30 होतं, आता 25 झालं, म्हणजे चेंज इन वेट किती झालं, 5 केजी आलाय का भगत, आलाय बरं, ठीक आहे। तो वहां पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा, देअरफोर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, यू वन माइनस यू टू या यू टू माइनस यू वन, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बनेगा यू टू माइनस यू वन, क्लियर है। अब यू टू की वैल्यू कितनी है, माइनस कितना है, माइनस जी एम एम अपॉन आर टू माइनस ऑफ यू वन कितना है, जी एम एम अपॉन आर वन है। कळतं का आपण काय केलं, ह्या इकडे यू वन आणि यू टू च्या व्हॅल्यूज होत्या, त्या फक्त डेल्टा यू इक्वल्स टू यू टू मायनस यू वन मी पुट कर दिया।
अब क्या होगा देखो, ये माइनस एड एज इट इज रहेगा, माइनस इनटू माइनस विल बिकम, तो पॉजिटिव टर्म को अगर हम पहले लेंगे तो ये बनेगा जी एम एम अपॉन आर वन, माइनस माइनस प्लस हुआ था, पॉजिटिव टर्म को हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस ऑफ क्या होगा जी एम एम अपॉन आर टू, क्लियर है। अब इसमें से अगर जी एम एम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जी एम एम अपॉन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ठीक है। हे बघा, ह्या सगळ्या गोष्टी काय होतं ना, आता काल ओरलमध्ये तुम्ही बघितलं, ओरलच्या अगोदर सकाळी सांगितल्यानंतर खूप जास्त स्ट्रेस आला होता सगळ्यांना, बरोबर, काय होईल, कसं होईल, कधी होईल, कुठं होईल, है की नाही, मग प्रिपरेशन करता करता काही लोक घरी गेले तसेच झोपून राहिले, है ना, मग रात्री त्यांना लक्षात आलं की आपण टाईम सांगितला तो विसरला, आज त्यांचे पॅरेंट्स येतील रिझन सांगायला, काल काही लोकांचे पॅरेंट्स येऊन गेलेत का प्रिपरेशन करत नाही हे सांगायला, बट याच्या अगेन्स्ट आता इथून पुढं जर तुम्ही हा टास्क जर इथल्या इथं मेंटेन केला, आता इथं डिस्कस करतो आहे ना, लक्षात घ्या, आपण लेक्चर करतो आहे म्हणजे काय करतो आहे, आपण स्टडीज करतो आहे ना, बरोबर आहे की नाही, मग जो कंटेंट आपण क्लासमध्ये डिस्कस करतो आहे तो 100% नाही बट ॲटलीस्ट 99% इथंच प्रिपेअर व्हायला पाहिजे, कळालं ना, मग जेव्हा आपण बोर्डवर मी एक्सप्लेन करतो आहे तुम्हाला लिहायला वेळ देतो आहे तेव्हा एक सिम्पल प्रोसेस जर तुम्ही फॉलो केली की जे बोर्डवर एक्सप्लेन झालं होतं ते व्हिज्युअलाइज करून बघा। मी काल पण बऱ्याच लोकांना सांगितलं की आपण ना आपल्या ब्रेनच्या लिमिटेशन समजून घेत नाही आणि ब्रेनकून एक्सपेक्टेशन खूप ठेवतो, मग आपल्याला कळतं की आपली काही लायकीच नाही, आपल्याला काही येतच नाही, काही लक्षातच राहत नाही, आपण आपल्या ब्रेनच्या वर्किंगच्या अकॉर्डिंग प्रोसेस समजावून घेतली पाहिजे, कळालं ना। हे जे काही तुम्ही बघताय हे लगेच ब्रेनमध्ये सेव्ह होतं का, जसं नॉर्मल एक्झाम्पल आहे, तुम्ही घरून क्लासला आले, गाडीवर आले, कशावर तरी आले, बरोबर आहे, येत असताना जेवढे दुकान, स्टॉल, बिल्डिंग, रस्त्याच्या आजूबाजूला काय कुत्रे वगैरे अजून काय दिसले असतील सगळं लक्षात येईल आपल्या, 101% कोणती बिल्डिंग होती, काय नाव होतं, कोणता मोबाईल नंबर होता, पण ते दिसलं नव्हतं आपल्याला, असातला प्रकार आहे का, दिसलं होतं पण तरी लक्षात आहे का, का बरं, काय रिझन याच्यापाठीमागं हे रिझन आहे की आपला जो ब्रेन आहे ना त्याला ह्या रिकाम्या गोष्टी लक्षात ठेवायला काही म्हणजे इंटरेस्ट नाही, त्यामुळे होतं काय की जेवढे इनपुट्स ब्रेनला जातात कुठून जातात, आपल्या सेन्सरी ऑर्गन्समधून, है ना, कुठले कुठले सेन्सरी ऑर्गन, किती असतात सेन्सरी ऑर्गन, पाच असतात, त्यातले दोन आपल्या काही कामाचे नाही आहेत म्हणजे अभ्यासासाठी, कुठले दोन कामाचे नाही आहेत, आणि बाकी तीन कोणते कोणते आहेत, मग तीन कामाचे नाहीत, आपल्या दोनच कामाचे आहेत, बरोबर आहे, आपल्याला काही टेस्ट नाही करायची कशी पोटेन्शियल एनर्जी, ठीक आहे, तर या पे बस दो काम घे, कोणसे, म्हणजे जे बघतोय आणि जे ऐकतोय, कळालं ना, हेच इनपुट आपण स्टडीच्या रिलेटेड आपण ब्रेनला प्रोव्हाइड करू शकतो, मग हे इनपुट दिल्यानंतर जर ब्रेनला वाटलं की हे काही इम्पॉर्टंट नाही आहे, ब्रेन त्याला सेव्ह करत नाही, कळालं ना, जसं रस्त्याने येताना सगळ्याच बिल्डिंग लक्षात राहत नाही, बट एखादी काही इंटरेस्टिंग गोष्ट रस्त्याने दिसली आपल्याला, म्हणजे इंटरेस्टिंग म्हणजे कोणतरी सोशल वर्क करतं आहे, काहीतरी रस्त्यावर पडलेलं काहीतरी जमा करतं आहे, तर ते आपण विसरतो का, ते आपल्या लक्षात राहतं, बरोबर, असं का, कारण ब्रेन तिथं लगेच अलर्ट होतो की नाही इथं काहीतरी इंटरेस्टिंग आहे, म्हणजे हे सेव्ह ठेवा, बरोबर आहे की नाही, दोन चार दिवस आठ दिवस ते सेव राहतं आपल्या डोक्यामध्ये की या रस्त्यानं लोक काय करत होते, सोशल वर्क करत होते, बरोबर। तर सेम सिच्युएशन जर तुम्ही इथं ब्रेनला हे सगळं करत असताना जर सवय लावली तर काय होतं ना, एक 21 days लागतात ब्रेनला कुठली गोष्ट न्यू गोष्ट जर आपल्याला ॲडॅप्ट करून इम्प्लिमेंट करायची असेल तर, कळालं ना, आता रोज सकाळी उठल्यानंतर घरचे सांगतात तुम्हाला आता ब्रश कर म्हणून, करतो ना आपण ॲटोमॅटिक, बरोबर आहे, रुटीन येते आपलं, सांगावं लागतं का, म्हणजे आपण विचार जरी नाही केला उद्या मला ब्रश करायचं आहे असा विचार करून झोपतो का आपण, हे ब्रेनचे हॅबिट्स आहेत, कळालं ना, कारण हे आपण पहिल्यांदा सुरुवात केली तेव्हा लहान पोरांना जीवर येतं, बरोबर आहे, मग 21 days त्यांनी रेग्युलर केलं की तो आपला हॅबिटचा पार्ट बनतो, मग आता क्लासमध्ये आपण पोटेन्शियल एनर्जी ही कन्सेप्ट सुरू केली, मग हे सगळं बोर्डर तुम्हाला दिसतंय, तर हे ब्रेनमध्ये गेलंय बट हे ब्रेनला सेव्ह करायला सांगायचं आहे आपल्याला, बट ते आपलं ऐकत नाही, बरोबर आहे की नाही, का नाही ऐकत आपलं, जसं आता PC आहे याला जर मी म्हटलं PC शटडाऊन होईल का, हा व्हॉइस कमांड फॉलो नाही करत, बरोबर आहे की नाही, जे फॉलो करता व्हॉइस कमांड ते होऊ शकतात, है ना, ॲपलचे प्रोडक्ट असेल तर, याचा अर्थ काय होतं, याची जी प्रोसेस आहे मला तीच फॉलो करावं लागेल, येते का लक्षामध्ये, तसं तुमचा प्रोडक्ट कोणता आहे, हे डेलचा आहे का ॲपलचा आहे तुम्हाला ओळखायचं आहे, कळालं ना, मग हे सगळं जे झालं आहे हे 3-4 वेळा 5 वेळा लेक्चरमध्येच व्हिज्युअलाइज करा, काय प्रोसेस होती, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, क्या की आता पहिले पोटेन्शियल एनर्जी ॲट डिस्टन्स आर वन, हे सगळं दिसलं पाहिजे आपल्याला, हे जोपर्यंत दिसणार नाही, व्हिज्युअलाइज होणार नाही, जोपर्यंत लँग्वेज ऑफ इमेजच्या फॉर्ममध्ये ब्रेनमध्ये स्टोअर झालं आहे हे आपण चेक करणार नाही तोपर्यंत हे तुमच्या कुठल्याही कामाचं नाही, कळालं नाही तर हे कीर्तन ऐकल्यासारखं भारी होतं आणि जायचं असंच होतं आहे, बरोबर आहे की नाही, आपल्या लाईफमधले
किती लेक्चर किती वेळ करतो मी, 4-5, काही ठिकाणी 7-8 ट्रॅक चालू आहे की नाही, तिकडचे 4-5 लेक्चर, इकडचे 2-4 लेक्चर, असे 10-12 लेक्चर करता तुम्ही ॲट द एंड, असा फील वाटतो आपल्याला की आपण लय काहीतरी करतो आहे, बरोबर आहे की नाही? है ना, 4 ट्रॅक केले, इकडं 3 ट्रॅक केले, तिकडं नवीन 2 ट्रॅक सुरू झाले, है ना, काही ठिकाणी ट्रॅक्टर सुरू होतील. तर हे सगळं केल्यानंतर असा फील येतो की आपण खूप वर्क करतो आहे, बरोबर. पण ॲट द एंड रात्री झोपत असताना आपल्याला एक गिल्ट स्वतःचा मधून सांगत असतं की काही नाही केलं तू, बरोबर आहे की नाही? काही येत नाही तुला, फिजिक्सची ओरलचं प्रिपरेशन करायला तुला 3 तास लागले जे ऑलरेडी शिकून झालं होतं, बरोबर आहे की नाही? हे इंटरनल आपल्याला आपल्या आपले जे काही ब्रेनच्या पार्ट असतात, मन म्हणतो आपण त्याला, माइंड, हे आपल्याला सांगत असतं की हे सगळं निरर्थक आहे, हे जे करतो आहे तुम्ही याला काही अर्थ नाही, लक्षात येतं तुमच्या? म्हणजे फक्त लेक्चर केलं म्हणजे तुम्ही काही मोठी अचीवमेंट केली, टास्क केला, हे नाही आहे. लेक्चरमधला कंटेंट जर तुमचा प्रिपेअर झाला लेक्चरच्या टाईममध्येच, लक्षात घ्या, तर त्या लेक्चर करण्याला काहीतरी मिनिंग आहे. अदरवाईज हे सगळं तुम्ही रीड करून पण प्रिपेअर करू शकता, आता जसं करता ओरलमध्ये, बरोबर आहे की नाही? काल प्रिपेअर करताना बऱ्याच वेळा मी ऑब्झर्व केलं, काही लोकांनी मॉड्यूलमधून हे की नाही आहे तसं थेरी फॉर्म्युले वगैरे सगळ्या गोष्टी लर्न करायचा प्रयत्न केला, झाला आहे त्यांचा टेम्पररी, बरोबर. पण हेच जर 2 दिवसांनी मी गॅप दिला, 2 दिवसांनी काही बोललोच नाही की परत ओरल घेणार आहे, आणि सडनली परत एकदा बोलवलं, तर काय होईल? जे प्रिपेअर केलं होतं काल येत होतं 40% उडून जाईल, डोळ्यासमोर पण डोळ्याच्या मध्ये येत नाही, बरोबर आहे की नाही? हे मध्ये काय येत नाही, कारण आपल्या ब्रेनमध्ये नेमकं कुठं स्टोअर केलं होतं हे आपल्या न्यूरॉनला सापडत नाही, आणि हे त्याला सापडलं पाहिजे. यासाठी बेस्ट वे काय, बेस्ट प्रोसेस काय, फॉर एक्झाम्पल लेक्चरमध्ये मला काय करायचं, काहीतरी रेग्युलर वर्क करायचं, जसं आपल्याला OBS लागतं रोज लेक्चरमध्ये, मग हे OBS जे काही आहे त्या OBSला चालू करून ठेवायचं असतं, बरोबर आहे? मी लवकर आलो तर मी करतो, आणि माझ्या अगोदर जर सर आले तर सर करतात, बरोबर आहे? बट या OBSला जर मी लपून ठेवलं तर फोल्डर ड्रीमध्ये 15 फोल्डर, 15 फोल्डरमध्ये 17 फोल्डर, त्याच्यामध्ये असे 25-30 फोल्डर, आणि मी गेलो, त्यांना सापडेल का? येणार ते प्रयत्न करणार 10-15-20 मिनटं, नाही सापडत म्हणून सोडून देणार, म्हणजे होईल काय? OBS आहे कम्प्युटरमध्ये, बरोबर आहे की नाही? पण सापडत आहे का? आपलं तेच होतं, डोळ्यासमोर आहे, काल बऱ्याच लोकांना डोळ्यासमोर आहे पण डोळ्याच्या मध्ये येत नाही. त्यासाठी बेस्ट वे काय, मी जर डेस्कटॉपवर ठेवलं तर काय होईल, काम सोपं होईल ना, मला जेव्हा पाहिजे ओपन केलं समोर दिसेल, मी नसेल सरांना पाहिजे त्यांनी ओपन केलं PC, त्यांना समोर दिसेल, म्हणजे ते लगेच ॲक्शन घेऊ शकतात, कळत आहे का? मग ही आपल्या ब्रेनच्या डेस्कटॉपवर ही सगळी इन्फॉर्मेशन आणायची, ती कशी आणायची, त्याला हाच वे, हीच प्रोसेस आहे, लँग्वेज ऑफ इमेजेस, त्याला व्हिज्युअलाइज करा, नंबर ऑफ टाइम्स रिवाईज करा, ब्रेनला सांगा की हे आमच्यासाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, तू रिकामे कामं करतो आहे नाही त्या गोष्टी जास्त लक्षात ठेवतो आहे, हे ब्रेनला जाणीव करून द्या तुम्ही, कळतं आहे ना मी काय सांगतो आहे ते, ठीक आहे? चलो, तो चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी हे आज हमारा न्यू पॉइंट था, जिसमें हमने पोटेन्शियल एनर्जी का जो प्रीवियस फॉर्मुला था कौन सा था, म्हणजे लिंक करत गेले तर किती सोपं आहे बघा, पहिले आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन एक फॉर्म्युला मिळाला होता, GMM/R², जब इंटेन्सिटी को देखा वही फॉर्मुला है हर एक केस में, बस एक मास कम है, GM/R², पोटेंशियल देखा तो क्या करना है, वही फॉर्मूला है, बस एक डिस्टेंस से आर से मल्टीप्लाई करना है GM/R, एंड पोटेंशियल एनर्जी में एक मास फिर से मल्टीप्लाई करना है GMM/R. म्हणजे एक टॉपिक पूर्ण एकाच कन्सेप्टवर चालतो, नवीन काही नाहीच आहे, त्यामुळे इथून पुढचे सगळे टॉपिक असेच असणार आहे, स्टार्टच्या 2 लेक्चरमध्ये जो कंटेंट लिंक झाली तीच लिंक परत रिपिटेशन असणार आहे प्रत्येक कन्सेप्टमध्ये, पण हे लिंक करत गेले तर, नाहीतर आपण काल काय डिस्कस केलं होतं हे त्याचा काही विषयच नसतो, आपल्याला माहीतच नसतं. चला, तो चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी फर्स्ट केस में हमने क्या अज्यूम किया, बोर्डर नका बघू, ब्रेनमध्ये स्टोअर केलं असेल त्याला बघा, क्या आली आता पहिले, एक ई बॉडी इनिशियली इज ॲट R1, तो क्या होगा U1=, हे स्वतःला चॅलेंज करत जा बेटा की हे का होत नाही माझ्याकडून, कळालं ना, आणि याच्यावर वर्क करत चला, -GMM/R1, उसके बाद में बॉडी को लेके गए R2 पे, तो क्या होगा -GMM/R2, मतलब U1 एंड U2 ऐसे 2 पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमें, मिल गई हमें, U1 मतलब कौन है इनिशियल, U2 मतलब कौन है फाइनल, हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज हर बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, फायनल मायनस इनिशियल. आता याच्या एक्झाम्पलमध्ये हे लक्षात राहणार नाही, पण भगतचं मास बरोबर लक्षात राहील, है ना, 32-25 झालं होतं, म्हणजे ब्रेनला जे आहे ना की हे भगत म्हणा, म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत का यांच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे खूप, मग भगतचं नाव घेतलं ते एक्झाम्पल आपण विसरणार नाही, बट हे किती लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा, घोळ होईल, M1 होता का खाली होता, R1 होता का R1² होता, बरोबर आहे की नाही? तर यासाठी काय करावं लागेल, आपल्याला नंबर ऑफ टाइम्स ही प्रोसेस करावी लागेल, आणि प्रोसेस करण्याची हॅबिट्स लावा बेटा, खूप सोपं आहे, जसं जेवताना आपण काय करतो कंपल्सरी, सगळ्यात पहिले हात धुतो, बरोबर आहे की नाही? त्याच्यानंतर दुसरं काम काय करतो आपण, नाही ताट तर ॲटोमॅटिक येतं ना समोर, बरोबर आहे की नाही? घरी असले घरचे देतात, मेसवर असले मेसवाले देतात, कोण ताट घेऊन जेवतं स्वतः, कोणीच नाही इथं, कोणी असेल तर चांगली गोष्ट बेटा, आणि तुमचा काही प्रश्न नाही. त्याच्यानंतर काय करतो आपण, नाही नाही जेवण चालू करायच्या, म्हणजे ताटाला हात धुवून बसलो आपण जेवायला, जेवण सुरू होणार आहे, त्याच्या अगोदर आपण सगळ्यात एक इम्पॉर्टंट काम करतो,
टीव्ही चालू करतो जर घरात टीव्ही असेल तर, बरोबर? टीव्ही चालू असेल किंवा नसेल काही फरक पडत नाही. अर टीव्हीसोबत काय असतं? अजून काहीतरी लागतं. काय असतं सगळ्यात इम्पॉर्टंट? टीव्हीचा रिमोट. बर, ठीक आहे, टीव्हीचा रिमोट आहे. अजून? अरे पाणी, जेवण ते ताटसोबतच आलं. जेवताना झाडू मारतो का? नाही नाही, ताट आलं समोर बसलोय आपण, तेव्हा आपल्याला काय लागतं जेवताना? सगळ्यात इम्पॉर्टंट टूल जेवणासाठीचं. कळालं ना? हे ओव्हरऑल ऑब्झर्वेशन आहे की जे म्हातारे लोक आहेत ज्यांचे एज 40+ आहे ते जर सोडले तर बिलो 40 जवळपास 90% लोक असे की ज्यांना जेवताना कंपल्सरी मोबाईल हातात लागतो. बरोबर आहे? आता नाही म्हणशाल तुम्ही, शहा नाही म्हणशाल, तुमच्या घरच्यांना विचारल्यानंतर कळेल. मग तुमचे घरचे तुम्हाला स्प्लिट करत असतील म्हणून नाही, कोण नाही म्हणता, मी आजच क्रॉस व्हेरीफाय करतो. ठीक आहे, घेऊ का लिस्ट? तू नाही म्हणूच नको, तू मोबाईलशिवाय 10 मिनटं जगू शकत नाही. जेवतांचा विषय सोडून दे तू. तुला स्टेअर केसमधून उतरताना पण एक पायरी उतरली का मोबाईल लागतो. तेव्हा नाही सांगत मी, रेग्युलर सांगतो. मग हे मोबाईलच्या ऐवजी जर आपण हे वर्क केलं तर टी व्ही समोर आहे असू द्या. आज आपण काय डिस्कस केलं होतं असं डेली रुटीन मॉर्निंगपासून लिंक लागली पाहिजे. सकाळी क्लासला गेल्यानंतर काय झालं? पहिले रिव्हिजन मी आता ग्रॅव्हिटेशन फील्ड मास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन उसके सारे ॲप्लिकेशन उसके बाद ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी उसका व्हेरिएशन ड्यू टू अल्टिट्यूड ड्यू टू डेप्थ ड्यू टू शेप ड्यू टू रोटेशन उसके बाद में इंटेंसिटी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड उसके ॲप्लिकेशन देन इंटेंसिटी के बाद में ग्रॅव्हिटेशनल पोटेंशियल आज का पहिला पॉइंट था ग्रॅव्हिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसमें हमने फॉर्मुला डिराइव किया माइनस ऑफ GMM अपॉन R जिसमें जी था यम था स्मॉल यम था आर था वेरी गुड उसके बाद में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले बॉडी को कंसिडर किया एट डिस्टेंस R1 तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी थी UL इक्वल्स टू माइनस ऑफ GMM अपॉन उसके बाद R2 पे लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई माइनस ऑफ GMM अपॉन R2 चेंज मतलब क्या होता है फाइनल माइनस तो हमने क्या किया U2 माइनस U1 में GMM कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या बचा 1/R1 - 1/R2 हे करा तुम्ही लक्षात येईल तुमच्या किती सोपं आहे सगळं हे जे तुम्हाला तुमचे डोके भनकलेले आहेत ना काही टाईम भेटत नाही एवढं करतो आहे तरी पण आमच्या काय आम्हाला मार्क्सच पडत नाही घरचे बोलता हे क्लासवाले येड्यावानी बोलता ठीक आहे हे करता ते करता काही झालं घरी बोल करता तर या सगळ्या गोष्टीवर आहे ना खूप छोटछोटे सोल्युशन भेटा तर ते म्हणतात ना ग्लास अर्धा भरलेला पण दिसतो आणि अर्धा रिकामा पण दिसतो डिपेंड करतो तुमचा माइंडसेट काय आहे ना अर्धा भरलेले का अर्धा रिकामा आहे अर्धा रिकामा नाही आहे का त्याचा फुल भरला आहे स्वप्नील असं नको करू भेटतो जेवताना झाडून घेतो ग्लास फुल भरून घेतो तर बेसिकली या कंडिशन हे छोटछोटे हॅबिट आहे बेटा जात असताना स्टेअर केसवरून चालले काय बडबड करता बरं जाताना येताना हे की नाही रोज काय बोलणार आहे तुम्ही काय बघत काय गप्पा मारत असतो नाही कोणी पण जात असताना मी बघितलं की ते जाताना 2-4 जण ग्रुपमध्ये जातात बरोबर आहे की नाही आणि काय बडबड करत असतात काय बडबड करणार रोज त्याच्यापेक्षा हे जर डिस्कस केलं तर द्या स्वतःला 5-10 मिनटं द्या स्वतःसाठी बडबड पण करा पण एक 5 मिनटं अगोदर किंवा पाठीमागं थांबून जात असताना दुसऱ्या क्लासला जाईपर्यंत जो 10 मिनिट वेळ भेटतो आपल्याला त्यामध्ये हे सगळं एकदा रिवाईज करा हे आजपासून इम्प्लिमेंट करायला सुरुवात करा तुम्हाला लगेच इन्स्टंट नाही रिझल्ट भेटणार 21 दिवस जर तुम्ही मेंटेन केलं तुमच्या लक्षात येईल लेक्चरमध्ये हा कंटेंट जर प्रिपेअर केला आणि त्याच्यानंतर या 2-4 गोष्टी मी सांगितल्या जर तुम्ही इम्प्लिमेंट केल्या तर थेरी प्रिपरेशनसाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा 1 मिनिट पण द्यायची गरज नाही मी तर सांगतो फिजिक्सचा प्रिपरेशनचा जो पार्ट आहे तो जर रेग्युलर व्यवस्थित केला तर 30 मिनिट्स मोर दॅन सफिशियंट आहे फिजिक्स प्रिपरेशनसाठी 30 मिनिट्स मोर दॅन सफिशियंट किती मंद असले तरी मी सांगतो 30 मिनिट्स मोर दॅन सफिशियंट आहे जर ऑन टाईम रेग्युलर केलं या गोष्टी तर आणि जर नाही केलं तर काल बघितलं आपण बरोबर आहे की नाही केमिस्ट्री बायोचं काही कळालंच नाही काय होतं काही नाही बरोबर आहे तरी पण प्रिपरेशन झालं का ओरलमधून 3-3 वेळा परत यावं लागलं बरं 3 क्वेश्चन रॉंग झाले की रिपीट होती सगळ्यांनाच यावं लागलं असं कोणीच नव्हतं की एकदा आलं सगळी ओरल व्यवस्थित झाली म्हणून चला नेक्स्ट हो गया पेन चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी क्लिअर आहे लिहायचं घे झालं लिहून व्हेरी गुड ठीक आहे अब सेम पोटेन्शियल एनर्जी के बारे में हम अगर डिस्कस करेंगे की व्हेन बॉडी इज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ जब बॉडी अर्थ के सर्फेस के ऊपर है तब की केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा बोलो गुड मॉर्निंग लिहू ना पहले इकड़े लक्ष दिया तुम्हें क्या
हे लिया लिहिण्याच्या कामासाठी आलेले नाही, कळालं ना? नोटबुकमध्ये तेच लिहा जे तुम्हाला इकडून ब्रेनमध्ये स्टोअर झालं आहे, ब्रेनकडून मिळते इनपुट, छापून घेऊ नका. ठीक आहे, तो अर्थ के सर्फेस के ऊपर पोटेन्शियल एनर्जी कितनी होती है? यू वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर वन का आर सर्फेस के ऊपर है तो आर वन मना नहीं तो आर फोर मना, त्याची वैल्यू 6400 से म्हणून तो किती असेल आर असेल. तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई किसी भी बॉडी की ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. जसं की फॉर एक्झाम्पल आपल्याला भगतच्या बॉडीची पोटेन्शियल एनर्जी काढायची, भगतचा मास किती आहे 2 kg, अर्थ का मास कितना आहे 6 × 10⁻²⁴ kg, रेडियस कितनी आहे 6400 किलोमीटर. ये वैल्यूज अगर पुट करेंगे, ये वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भगत की पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. क्लियर है? अगर हम सेम बॉडी को एट हाइट एच पे लेके जा रहे हैं, एट हाइट एच पे लेके जा रहे हैं, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? यू टू. अब यू टू इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन, वेरी गुड, आर प्लस एच. कहीं नहीं बोल एवडस, आर प्लस एच. क्लियर है? अब जाके फिर से भगत की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो क्या चेंज होगा? भगत का मास सेम, अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस एंड यच भगत को लेके गए 1000 किलोमीटर पे, जीव जल बिचारा था. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? बस एच चेंज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है ओनली ड्यू टू हाइट, मतलब उसकी पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड. क्लियर है? अब इसकी वैल्यू पुट करके भगत तुझी तू कैलकुलेट कर, बाकी सगळे आपले आपले कैलकुलेट करा. ठीक है, बाद में उसके बाद में हमें कैलकुलेट क्या करना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जब हम बॉडी को सरफेस से एट हाइट एच पे लेके जाएंगे. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? डेल्टा यू इक्वल्स टू यू टू माइनस यू वन. अब यू टू कितना था तो डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे, कितना है? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच माइनस माइनस जी एम एम अपॉन आर. इतपर्यंत क्लियर है सगळ्यांना? अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस इंटू माइनस, तो ये बनेगा माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच प्लस जी एम एम अपॉन आर. अब यहाँ पे जी एम एम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में पॉजिटिव टर्म पहले लिखेंगे, वन माइनस आर, वन बाय आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एच. ये हो गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट एच. क्लियर है? आता हे सगळं बघून लिहिण्याची खरंच गरज आहे का? देखो स्टार्ट का असे हुआ था, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले देखी थी, अभी वही अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे. पहले बॉडी कहाँ पे है लिहू नका, ऐकून घ्या, विज्युअलाइज करा, हे लिहायला लागले. ठीक आहे, तो पहिले बॉडी कहाँ पे थी? अर्थ के सरफेस के ऊपर. तो जब बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर है तब की पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर. हाइट एच पे लेके जाएंगे तो जी एम एम अपॉन आर प्लस एच. चेंज निकालना है मतलब फाइनल माइनस, तो फाइनल कितनी है? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच माइनस ऑफ ब्रैकेट में माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर. माइनस माइनस बनेगा प्लस, दोनों में से जी एम एम, जी एम एम कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा? वन बाय आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एच हो गया. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी तो आगे मैथमेटिक्स है ना जी, इतनी तुम्हारा. ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या होगा? जी एम एम एज इट इज. अब ब्रैकेट में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा? आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच. तो यहाँ पे प्लस आर माइनस आर, यानी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है उसका और एक एक्सप्रेशन मिल गया, जी एम एम इंटू एच डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच. ये बघा, प्लस आर माइनस आर कैंसिल होके सिर्फ एच बचा था, डिनोमिनेटर में कौन है? आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच हो गया. क्या ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? जी एम एम इंटू एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच. अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे, हमें मालूम है कि जी इक्वल्स टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर. जी इक्वल्स टू कितना है? जी एम अपॉन, इसको यहाँ पे अरेंज करने के लिए मैं आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा.
तो आर बाय आर से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, देखो डेल्टा यू इक्वल्स टू ये जीएम था, ये अलग से लिख दिया, आर इंटू आर बनेगा आर स्क्वेयर, इसको एक ब्रैकेट में लेते हैं, इसको छोड़ के क्या बचा, स्मॉल एम इंटू एच, एंड डिनोमिनेटर में कौन है, आर प्लस एच इंटू ये आर रह गया, कर लो नहीं कर लो नहीं कर लो, हे बघा हा फॉर्म्युला होता, याच्यामध्ये आपण आर अपॉन आर ने मल्टीप्लाई केलं, तो ये जी एम यहाँ पे लिख दिया जी एम, आर इंटू आर ये आर स्क्वेयर, इसको एक ब्रैकेट में लिखा, इसको छोड़ के क्या बचा है, स्मॉल एम एच आर, यहाँ पे स्मॉल एम एच आर, एंड डिनोमिनेटर में आर प्लस एच, आता कळलं काय काबर घेतलं, कारण मला स्मॉल जी इंट्रोड्यूस करायचा होता, स्मॉल जी मध्ये काय रिक्वायर्ड आहे, जी एम अपॉन आर स्क्वेअर, एक आर कमी होता, ठीक आहे, तो यहाँ पे जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल जी बोलेंगे, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, एम जी एच इंटू आर अपॉन आर प्लस एच, हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्मुला आजच्या लेक्चरमध्ये, मैं जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछूंगा तो मुझे ये रिक्वायर्ड है, एम जी एच इंटू आर अपॉन आर प्लस एच, एम जी एच इंटू, एम जी एच इंटू, कस आलं ते पण क्लियर है, क्या किया था स्टार्ट में, पहले बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर थी, तब की उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू एन इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, बाद में बॉडी को लिफ्ट किया एट एट एच पे, तब की पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू टू माइनस यू टू, मतलब क्या था, देन यू एन इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जी एम एम कॉमन, जी एम एम कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचा वन बाय आर माइनस आर प्लस एच, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जी एम एम इंटू एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, ये वाला फॉर्मूला मिला था, ठीक है, उसके बाद में क्या किया, एडजस्टमेंट आर बाय आर से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि हमें स्मॉल जी इंट्रोड्यूस करना था, आर बाय आर से मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा यू इक्वल्स टू पहले ब्रैकेट में लिखा जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, इसको छोड़ के बचा एम इंटू एच इंटू आर, डिनोमिनेटर में आर प्लस एच, बट जी एम अपॉन आर स्क्वेयर को हम बोलते हैं स्मॉल जी, तो फाइनली फॉर्मूला मिला डेल्टा यू इक्वल्स टू एम जी एच आर अपॉन आर प्लस एच, 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 एम जी एच एम जी एच एम डी एच, एम डी नहीं रे एम जी एच आर अपॉन आर प्लस एच, वेयर जी इज द कुठ सरफेस वर काय टाइट एच वर, अपन जी एम अपन आर स्क्वेर घेतलाय म्हणजे तो सरफेस वरचाच आहे, कळालं ना, अब यहाँ पे होता क्या है, देखो कि अगर इन जनरल हम बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि बाय टू मीटर बाय फोर मीटर बाय फोर किलोमीटर या फिर टेन किलोमीटर या फिर ट्वेंटी किलोमीटर, कळालं, इतने हाइट पे हम बॉडी को अगर लिफ्ट करेंगे तो आर कितना है 6400 किलोमीटर, उसमें अगर मैं दो मीटर ऐड करूंगा कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इसका मतलब अगर आपको कंडीशन बोली कि एच इज मच लेस देन आर है, एच अगर आर से बहुत छोटा है तो अगर एच को ऐड करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, इसका मतलब हमें आर प्लस एच में, आर प्लस एच में सिर्फ इसको आर कंसिडर करेंगे, अगर ये R बन गया तो ऊपर का R नीचे का R, एंड ये पोटेंशियल एनर्जी का तुमचा लहानपणापासूनचा फॉर्मुला दैट इज एम जी एच, ठीक है, हो मग खूप गरज आहे, कारण आपण इथं बॉडीला खूप वर घेऊन जातो ना, सॅटेलाइट आहे, आपण इकडे छाट छूट बॉडीबद्दल डिस्कस करत नाही ग्रॅव्हिटेशनमध्ये, ठीक आहे, यहाँ पे सॅटेलाइट आहे 1000 किलोमीटर पे था, फिर उसको 4000 किलोमीटर पे लेके गए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन, चलो राइट डाउन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इतना प्रिपेयर झालं पाहिजे लेक्चर मध्येच, एवढं कॉन्सन्ट्रेट व्हायचं, छापू नका एवढं सांगून पण बघूनच लिहित आहे,
चलो फिनिश्ड। कोणतं हे का हे आर इंटू आर ही तर आर स्क्वेअर घेतलं मग ब्रॅकेट जो होता आर प्लस एच इथं आहे रेवन लिहून घे इकडे तिकडे बघू नको प्रिपेअर कर बाकीच्या अभ्यासाला लागल्यावर तू पाठीमाग राहून जाशील ऑलरेडी पाठीमागाचे म्हणले की शेवटचे बेंचवर चलो नेक्स्ट हो गया झाले लिहून येस नो चलो तो आज हमने न्यू पॉइंट डिस्कस किया है दैट इज ग्रैविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ग्रैविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इन द ग्रैविटेशनल फील्ड विच इज गिवन बाय माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन अरे पूर्ण म्हणा नाही तर नंतर ओरलमध्ये एवढंच आठवतं आर होतं सर काहीतरी है ना माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर जी का मतलब युनिवर्सल ग्रैविटेशनल कॉन्स्टंट कितना आहे 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 × 10⁻²⁴ kg स्मॉल एम मतलब मास ऑफ द बॉडी कितना है कितना भी है ठीक है ना ते भगत से मास लक्षण ना काटू आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा है क्या था हो नहीं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए पहले बॉडी एट आर वन पे तो पोटेंशियल एनर्जी यू वन कितनी होती यू वन माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर वन देन बॉडी एट आर टू पे तो माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर टू तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर वन माइनस ऑफ ब्रैकेट ऑफ माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर टू सिंप्लीफाई करेंगे तो जी एम एम इन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन क्लियर है अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं आपको बोला जाता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है कौन है इक्विलैटरल ट्रायंगल अब यहाँ पे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर तीन मासेस थे और इसकी साइड लेंथ कितनी है डी तो अगर हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड लेंथ को ऐसे डबल बना देंगे तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है अपन अशे क्वेश्चन सोडवणार आहे बट ॲप्लिकेशन बोल रहा हूं मैं क्या है पहले इस पॉइंट पे थे डी इतने सेपरेशन पे बाद में क्या हो गया उनको टू डी इतने सेपरेशन पे रख दिया हमने तो हम क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी में जो जी एम एम की टर्म है वो वैसी रहेगी बस जो ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन था आर वन मतलब कितना था यहाँ पे डी माइनस वन अपॉन आर टू होगा मतलब क्या होगा वन अपॉन टू डी मतलब सिर्फ ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा कळालं ना ठीक है क्वेश्चनच्या वेळेस सांगतो तुम्हाला अजून त्याच्यामध्ये आपल्याला सिस्टम ऑफ पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पडती मतलब यहाँ पे तीन मासेस है ना जो हमने फॉर्मूला देखा जी एम एम अपॉन आर वो दो मासेस के लिए अगर तीन मासेस तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती है ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट नहीं उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि अगर कोई बॉडी अर्थ के सर्फेस के ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर अगर एट हाइट एच पे लेके गए तो माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच एंड अगर चेंज निकालना है तो हे बघा जेवढे सर्कल केले ते सगळे फॉर्म्युले पहिले डेल्टा यू इक्वल्स टू बर कंप्लीट प्रोसेसच आहे ना मायनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच मायनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर तो क्या होगा जी एम एम कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में वन बाय आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एच उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी एम एम इंटू एच डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच उसके बाद में क्या करना है स्मॉल जी को इंट्रोड्यूस करना है इसलिए आर बाय आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बाय आर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर है तो ऊपर का फॉर्मूला क्या बनेगा एक ब्रैकेट में जी एम अपॉन आर स्क्वेयर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा
m इंटू एच अपॉन आर प्लस एच। तो पहले ब्रैकेट को अगर g बोलेंगे तो क्या बन गया, डेल्टा u m इंटू जी इंटू एच, है ना। जसं काय येडे सर करतं म्हणणार, पण हे व्हिज्युअलाइज झालं पाहिजे या कोपऱ्यात होतं या स्टेपनंतर हे दिसलं पाहिजे बेटा आपल्याला। ही ब्रेनची आपल्या सगळ्यात जास्त स्पेशालिटी म्हणजे बाकी प्राण्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये दोन बेसिक डिफरन्स आहे, एक हा आहे आणि दुसरा तुम्ही शोधा, ठीक आहे। तो कुठला हा हे आपण इमॅजिन करू शकतो। चला नेक्स्ट, तो क्या बना यहाँ पे फिर, डेल्टा यू इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच इंटू आर अपॉन आर प्लस एच। बट इन जनरल क्या होता है, एच मच लेस देन आर होता है, उसकी वजह से क्या होगा, आर प्लस एच को हम आर कंसिडर करेंगे, तो आर आर कैंसिल होकर फाइनल एनर्जी मिलेगी डेल्टा यू इक्वल्स टू एम जी एच। तो लास्ट के सेकंड दो फॉर्मूले, लास्ट वन एम जी एच, उससे पहले एम जी एच इंटू आर अपॉन आर प्लस एच, एम जी एच इंटू आर अपॉन आर प्लस एच, एम जी एच इंटू आर अपॉन आर प्लस एच। एंड अगर एच मच लेस देन आर है तो एम जी एच, ये थी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। राइट द नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो अ बॉडी अप टू हाइट एच। किसी बॉडी को अगर हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर से थ्रो करना है और रिक्वायरमेंट है कि उसने एच इतनी हाइट अटेन करनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मुझे इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर चाहिए तो ऐसा फेंकावा लगेल माला, बराबर है। लेकिन यही अगर 2 मीटर चाहिए तो जोरात फेंकावा लगेल, यही अगर 2 किलोमीटर चाहिए तो भगतला धरून मग लॉन्च करावं लागेल आपल्याला, है ना, वृक्षावर तरी बसून। सो डायरेक्ट फेकून जाणार आहे का, नाही। मतलब वेलॉसिटी डिफरंट है, तो जितनी हाइट तक ही बॉडी जाएगी वो डिफरंट रहेगी। इसको हमें डिराइव करने के लिए सिंपल कंडीशन देखनी है कि इनिशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी जब हम उसको अर्थ के सरफेस के ऊपर से थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो हम इसको इनिशियल बोलते हैं। उसी तरह से जब वो एट हाइट एच पे चली जाएगी तब की पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी तब की टोटल एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी, ये कितनी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी, फाइनल। मतलब जितनी टोटल एनर्जी अर्थ के सरफेस के ऊपर थी उतनी टोटल एनर्जी एट हाइट एच पे होगी, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होगी, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे एम का मतलब मास ऑफ द बॉडी जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, वी का मतलब जिससे हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर इक्वल्स टू अर्थ सरफेस एवढीच असते ना, प्लस कुठून, इक्वल्स टू। अब एट हाइट एच पे जाने के बाद बॉडी ने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, मतलब बॉडी उसके बियॉन्ड नहीं जा रही है, मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच इतनी होगी, कळलं का। आता बाकी पुढे सिंप्लिफिकेशन है फक्त, ठीक है। जितनी टोटल एनर्जी है अर्थ पे उतनी टोटल एनर्जी है एट हाइट एच पे, ठीक है। तो अब करते हैं सिंप्लीफाई इसको, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, ये हाफ एम वी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू ये माइनस इधर जाके प्लस, तो प्लस को पहले लिखेंगे तो ये बना जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। आगे वेरी गुड, जी एम एम कॉमन ब्रैकेट में 1 बाय आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन ब्रैकेट में क्या आएगा, एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। कसं आलं हे, आत्ता केलं होतं तेच, आर प्लस एच माइनस आर, आर आर कॅन्सल, तो एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। मतलब की क्या हो गया इक्वेशन, ये काइनेटिक एनर्जी एज इट इज है, हाफ एम वी स्क्वेअर इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू कौन है, एच डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो यहाँ पे स्मॉल एम और हमें यहाँ पे वी स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना मिल रहा है फिर, 2 जी कैपिटल एम इंटू एच डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। एंड अगर वी चाहिए तो दोनों साइड में स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये बनेगा रूट में 2 जी एम इंटू एच अपॉन आर इन ब्रैकेट
आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो ये हो गई वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो बॉडी अप टू हाइट एच, कळलं का? चला परत आता हे बघून लिहिण्याची काही गरज नाही आहे, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें हमें वेलोसिटी रिक्वायर्ड है एट हाइट एच पे बॉडी को सेंड करने के लिए। तो पहले हमने क्या देखा, जब बॉडी को थ्रो करेंगे तब उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस, जब बॉडी एट हाइट एच पे चली जाएगी तब की टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को इक्वेट किया, टोटल एनर्जी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट हाइट एच, मतलब इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू किया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑन द सर्फेस कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एच पे जीरो, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने क्या किया, फिर इधर का जी एम एम अपॉन आर उधर भेज दिया, फिर सिंप्लीफिकेशन में क्या हुआ, जी एम एम कॉमन हो गया और ब्रैकेट में क्या बचा, एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, फिर स्मॉल एम कैंसल, टू जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू बना टू जी एम एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। फिर रूट लिया तो एट द एंड क्या हो गया, रूट ऑफ टू जी एम इंटू एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। चलो राइट डाउन, हो गया। अब सेम एक्सप्रेशन से हमें कैलकुलेट करना है कि अगर किसी बॉडी को वी इतनी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो वो कितनी हाइट तक जा सकता है, कर लगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वी देन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बॉडी इज, मतलब हमें बोला गया है कि बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं और वेलोसिटी दी है तो बॉडी कितनी हाइट अटेन कर सकती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये वी स्क्वायर वाला वही फिर से यूज करेंगे। कितना है, वी इक्वल्स टू रूट ऑफ टू जी एम इंटू एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो इसको ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एम इंटू एच अपॉन में कौन था, आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। हे बघा अगोदर आत्ताच जो फॉर्म्युला आहे वी स्क्वेअरचा तोच यूज केला आहे, टू जी एम इंटू एच अपॉन आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो यहाँ पे अगर इनको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये आर प्लस एच इधर लेंगे इक्वल्स टू क्या होगा, टू जी एम इंटू एच डिवाइडेड बाय वी स्क्वेयर इंटू आर, ठीक है। अब इसके बाद में ये एच था ये भी इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा इक्वेशन, आर प्लस एच अपॉन एच इक्वल्स टू टू जी एम अपॉन वी स्क्वेर इंटू आर, का चालू कहते का तो इकड़े तिकड़े घेना चालू है, नवीन कहीं नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे तो सेपरेशन के बाद में ये बनेगा आर बाय एच प्लस वन, एच बाय एच मे वन इक्वल्स टू
टू जी एम अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर, क्लियर। अब ये प्लस वन उधर जाएगा तो आर बाय एच इक्वल्स टू क्या होगा, टू जी एम अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, टू जी एम माइनस वी स्क्वायर बाय सॉरी वी स्क्वायर इंटू आर अपॉन वी स्क्वायर बाय आर। सब्ट्रैक्शन के लिए फक्त अपन कर लगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा, रेसिप्रोकल लेने के बाद एच बाय आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय टू जी एम माइनस वी स्क्वायर आर। हमें चाहिए था एच, तो क्या करना पड़ेगा, एट द एंड आर को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू बनेगा वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी एम माइनस वी स्क्वायर इंटू आर। तो बॉडी विल अटेन दिस मच हाइट वेन इट इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी वी, ठीक है। चलो डाउन, प्रतीक इंद्रनील बड़बड़ न करो, काय थोड़ कळलं, हे पण कळलं, हे आणि या स्टेपमध्ये काय डिफरन्स आहे बघ, तू व्यवस्थित ॲनालाइज कर। हां, रेसिप्रोकल घेतला बघ, रेसिप्रोकल कसं घेतो आपण, उलटं करतो, म्हणजे इथं आर बाय एच होतं, याला एच बाय आर केलं, तसंच इथं डिनॉमिनेटरचा वी स्क्वेअर बाय आर वर गेला, इकडे सबट्रॅक्शन केलं होतं तिथं। काय हे असं असतं ना, हे बघ ए प्लस बी अपॉन बी आहे, याला आपण सिम्प्लिफाय कसं करतो, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी, तर बी बी कट, तसं तिथं आर प्लस एच अपॉन एच होतं, आर बाय एच प्लस एच बाय एच, एच बाय एच वन। नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी, मतलब बाइंड करके रखने वाली एनर्जी, बाइंड करके रखने वाली मतलब बांधून ठेवणारी एनर्जी, ठीक है। राइट डाउन, बाइंडिंग एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the body, to escape from Earth's gravitational influence, to escape from Earth's gravitational influence is called as binding energy। कहते का binding energy मतलब क्या है, amount of energy required by the body, जिसके बाद body क्या होगी, Earth के gravitational influence से free हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे free होती है आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, उसके लिए पहले point देखो, number one, binding energy for the body on the
सरफेस ऑफ अर्थ। पहले सरफेस ऑफ अर्थ के लिए अगर डिस्कस करेंगे तो अर्थ के सरफेस के ऊपर बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो बनती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर टोटल एनर्जी बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस इंद्रनील। आता जर बड़बड़ केली तर बाहेर काढून देईन तुला। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर है मतलब रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्या? तो कितनी होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर? वेरी गुड, माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो ये अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कितनी आ रही है? माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहाँ पे टोटल एनर्जी निगेटिव आ रही है। व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बॉडी के पास इतनी एनर्जी कम है, कहते का, इसलिए बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर है। अगर हम बॉडी को इतनी अमाउंट ऑफ दे देंगे एनर्जी तो ये बॉडी क्या करेगी? अर्थ के सरफेस के ऊपर से एस्केप हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की कंडीशन होती है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, महते का? वेरी गुड। तो रिवॉल्व करते टाइम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? निगेटिव होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम झाला का नहीं अजून? होईल क्या वर्षी? तो वहाँ पे क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हाइड्रोजन एटम के लिए। वही अगर सेकंड ऑर्बिट होता तो उसकी एनर्जी होती है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही अगर थर्ड ऑर्बिट होगा तो एनर्जी बनती है माइनस ऑफ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट है तो माइनस ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड अगर फिफ्थ ऑर्बिट है तो माइनस ऑफ 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हे नंबर नका लक्षात ठेवू, म्हणजे नंतर लक्षात ठेवावं लागणार आहे, बट सध्या नका लक्षात ठेवू। तर ह्या पे जो एनर्जी आहे इलेक्ट्रॉन की बढती जा रही है कम हो रही है? निगेटिव नंबर कम होता है मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी सेकंड ऑर्बिट, सेकंड में जो एनर्जी उससे ज़्यादा एनर्जी। इसलिए आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं दे आर मोस्ट एनर्जेटिक वन, जो दूसरे के मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट भी हो सकते हैं या फिर उनको और एनर्जी मिल गई तो वो फिर फ्री भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो सेम सिचुएशन अर्थ के सरफेस पर जितनी सारी बॉडीज होती है उनके लिए होता है। हर बार बॉडी की एनर्जी क्या है? निगेटिव है। इसका मतलब इतनी एनर्जी कम है म्हणून आपण इथे आहे, नाहीतर आपण पण गेलो असतो मार्सवर जुपिटरवर नेपच्यूनवर, कळालं ना? ये एनर्जी नहीं है हमारे पास इसलिए हम जा नहीं सकते। इसलिए हमें करना क्या पड़ता है? सैटेलाइट को या फिर स्पेसक्राफ्ट को सेंड करने के लिए रॉकेट्स यूज करने पड़ते हैं। सो दैट रॉकेट क्या करते हैं? इस एनर्जी को ओवरकम करते हैं, मतलब इतनी एनर्जी उस बॉडी को प्रोवाइड करते हैं सो दैट बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर से चली जाती है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब समझ में आ रहा है क्या है? क्या है ये निगेटिव जो है वही बाइंडिंग एनर्जी। मतलब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस ये टोटल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्हणजे काय होईल? ही प्लस होईल। प्लस केली म्हणजे आपण बॉडीला ही एनर्जी दिली आणि एवढी एनर्जी दिली की बॉडी काय होईल? एस्केप होईल। मग एस्केप करण्यासाठी जी एनर्जी रिक्वायर्ड होती दॅट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी बनेगी फिर? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बॉडी, बोलो, जी एम एम अपॉन आर प्लस माइनस। तो ये बनेगा बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये कहाँ पे था? ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब सेम पार्ट रिपीट करेंगे हम एट आई टी एच के लिए। सिर्फ आर प्लस एच होगा क्या? बॉडी एट आई टी एच पे तो वो रेस्ट में नहीं रह सकती, उसको मोशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, और मोशन परफॉर्म करने के लिए उसके पास क्या रिक्वायर्ड होगा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब एट हाइट एच पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन उसको हम जब सैटेलाइट्स पढ़ेंगे, सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ेंगे, तब बाइंडिंग एनर्जी एट हाइट एच हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ हो गया लिख के। अब देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड और एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एज ए एस्केप वेलोसिटी। ग्रेविटेशन मधली सगळ्यात इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट,
एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होगा? वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप, एस्केप होना म्हणजे मतलब क्या लिखना पड़ेगा? अभी जो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन थी सेम डेफिनेशन, बस वहां पे एनर्जी को रिप्लेस करके वेलोसिटी आएगी। सो राइट डाउन अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी कट करा त्याला, एनर्जी म्हणजे बाइंडिंग एनर्जी, तो वेलॉसिटी बघतोय आपण ना। राइट डाउन द वेलॉसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, वेलॉसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू एस्केप, टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रैविटेशनल इन्फ्लुएंस। वेलॉसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रैविटेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब बाइंडिंग एनर्जी में सिर्फ यहां पे हम वेलॉसिटी लिख रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या है देखो, कि किसी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जाना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, कितनी थी बाइंडिंग एनर्जी? प्लस थी जी एम एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन जी एम एम अपॉन। इतनी एनर्जी अगर बॉडी को दे दी तो बॉडी क्या होगी? एस्केप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन देंगे किस फॉर्म में? अगर हीट के फॉर्म में दे दी तो क्या होगा? बॉडी कायम चीज एस्केप हो जाएगी। किस फॉर्म में देंगे? वेलोसिटी के फॉर्म में, वेलोसिटी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, ठीक है। अगर बॉडी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे तभी बॉडी एस्केप होगी। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ एम इंटू वी ई का स्क्वायर, वी ई मतलब वेलोसिटी ऑफ एस्केप, नहीं एस्केप वेलोसिटी, वी का मतलब एस्केप वेलोसिटी, वी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर एम एम। तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या मिल गया? रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर, ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर, ठीक है। इसके वेलोसिटी खूब जास्त इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उससे पहले आज क्या क्या डिस्कस किया? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जी एम एम अपॉन ब्रैकेट ऑफ वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन, लेकिन अगर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बोलेंगे तो वहाँ पे एम जी एच इंटू आर अपॉन आर प्लस एच, या फिर सीधा सीधा एम जी एच। कब? अगर एच इज मच स्मॉल देन आर है। उसके बाद में वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो द बॉडी एट हाइट और अप टू हाइट एच, एंड एट हाइट एच पे जाने के लिए रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलो अरे लवकर आला, ग्रुपवर टाकून द्या।